कैसे आप लोग, मैं डॉक्टर माधु श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता सिंह कला के। आज मैं क्लास में डायमंड नेचर्स का डायमंड किट से फेशियल कराना बताऊंगी। चलिए आइए देखते हैं इस किट से कैसे फेशियल। डायमंड फेस क्लींजर, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। डॉट डॉट लगाएंगे, क्योंकि क्लास में है तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, नेक को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे साइड होइए, देखिएगा ना। हम गुलाब जल भी ले सकते हैं। ये इसमें स्क्रब के कण है, इसमें क्लींजर लिखा हुआ है लेकिन स्क्रब के इसमें कण है। हमको बहुत हल्के हाथ से करना है और हमें केवल रब करना है, प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो क्लींजर के नाम पर इसमें स्क्रब दिया हुआ है, इसके पार्टिकल हैं, तो हमें बचाना है, रगड़ जाएगा, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से रबिंग करना है, ठीक है, हमें प्रेशर नहीं देना है, हमें दबाव नहीं देना, ठीक है ना। अब हम वाइप कर देंगे, हम गर्दन से वाइप करेंगे, पलट लेंगे इसको और इसी टेक्निक से हम पोंछेंगे। इसको हम सारा झाड़ लेंगे, रब आउट कर देंगे सारे पार्टिकल्स को। और बहुत प्यार से, दुलार से शो होना चाहिए, हम बहुत प्यार से कर रहे हैं, कस्टमर खुश हो जाए, रिलीफ फील करे और पीसफुल एटमॉस्फेयर में हमें फेशियल करना चाहिए। और बहुत इत्मीनान से, ऐसा ना लगे कि हम बहुत अड़बड़ में हैं, बहुत जल्दी में हैं, तो कस्टमर को आराम नहीं मिलेगा। अब ये देखिए एकदम सूख गया है, सारे पार्टिकल्स निकल गए हैं। ब्राइटनिंग डायमंड का मसाज क्रीम है, हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से लेंगे, फेस के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका भी सेम है, डॉट डॉट लगाना है हमें, गले को नहीं छोड़ना है, कान को नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्लास में हो रहा नहीं तो गाउन पहना देते हैं, ठीक है। गुलाब जल लेंगे और सारा हम जब क्रीम को सब अप्लाई करेंगे पूरे फेस पर, हम पूरे अच्छे से अप्लाई करेंगे, गर्दन, हमें कान को निकाल लेना है जो भी पहना है, और गले में कुछ भी पहना है हम निकाल लेंगे और अच्छे से क्रीम को अप्लाई करेंगे। और हम रोज़ वाटर लगा रहे हैं, हमारा हाथ स्मूथ चलना चाहिए, इतना रोज़ वाटर होना चाहिए, लगाना चाहिए तो स्मूथली हाथ चलेगा, फ्लो रहेगा हाथ में। और सारे स्टेप्स बीच से किनारे की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम गले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम इस पर आएंगे, फिर हम जिगजैग करेंगे, ठीक है, फिर हम नोज पे आएंगे,
ठीक है। फिर हम अंडर आईज पे हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरह के स्टेप्स होते हैं। फिर हम नोज़ पे इन आएंगे, फिर हम नोज़ पे ऐसे ये करेंगे, फिर हमारा ये प्रेशर पॉइंट है ये, ठीक है, हमारा प्रेशर पॉइंट है ये। फिर हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इस चीज़ पर, इस पॉइंट पे करेंगे, फिर हम इस पॉइंट पे करेंगे। देखिए फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। हमें रिंकल्स फ्री रहना है, अपने को रखना है, तो हमें इस जगह पे जरूर करना है। अब देखिए बहुत तरह के हमारे स्टेप्स होते हैं, हमें स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। 25-30-35 तरह के स्टेप्स होते हैं। बस हमें क्या सावधानी रखनी है कि नीचे से ऊपर जाना है और बीच से किनारे जाना है, इसमें चेंज नहीं होगा और बाकी स्टेप्स बदलते रहते। ये देखिए लिफ्ट कर रहे हैं स्किन को, प्रेशर पॉइंट है हमारा, ये प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आईब्रो पे प्रेशर देंगे, हम आई बॉल पे देंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। फिर हम जिगजैग करेंगे, फिर हम सीजर करेंगे, क्लॉक करेंगे, एंटी क्लॉक करेंगे, फिर लिफ्ट करेंगे, फिर हम हेयर लाइन को प्रेशर देंगे। इस तरह से हम बहुत हल्के हाथों से 10 से 12 एज के हिसाब से, हमारा ड्राई स्किन है, ड्राई है नहीं तो हम 2-3-5 मिनट तक ज़्यादा करेंगे, एज ज़्यादा है तो हम मसाज ज़्यादा करेंगे, एज कम है तो हम 10 से 12 मिनट तक मसाज करेंगे। होने के बाद क्रीम को सुखा लिया गया है, हमारा क्रीम सूख गया है और लास्ट में हम वाइब्रेट करते हैं और खींचते हैं और वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और हमारा ये देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें पैक दिया हुआ है, पैक लगाएंगे। पैक लगाने का टेक्निक है, हम आइस के किनारे खूबसूरती से लगाएंगे, आँख को बचा के लगाएंगे। पैक लग गया, पैक ना बहुत पतला लगना चाहिए ना मोटा लगना चाहिए, पतला लगेगा तो रिंकल्स पड़ेगा। पैक लगाने के बाद हमें बात नहीं करना है, और पैक बहुत मोटा लगेगा तो वेस्टेज है पैक का, इसलिए और इक्वल एक साथ समतल हमारा पैक लगेगा आँख को और लिप को हम छोड़ देंगे। और ये इनकी एज कम है तो हम 12 मिनट के बाद से इसको हम रिमूव करेंगे। गीले स्पंज से टैप टैप करके हम अपने पैक को गीला करेंगे ताकि स्किन छोड़ दें, क्योंकि यदि हम इस तरह से मसाज करेंगे, हमें 2-3 मिनट तक मसाज करना होता है, तो ऐसे मसाज करेंगे तो हमारा स्किन जो है खींचेगा, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। देख लेंगे कि हमारा अच्छे से 1-3 मिनट तक हल्के हाथ से हमें मसाज करना है, ताकि जो हमारा पैक का सारा 100% बेनिफिट हमारे फेस के स्किन को मिल पाए। ऐसे हम सारे पैक को स्किन से अलग कर देंगे, ब्यूटी बोन है, जैपनीज फैन है, सबके स्टेप्स हैं। आप हमें यूट्यूब पे जाइएगा तो सारे फेशियल के स्टेप्स बताए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम गले से स्टार्ट करेंगे पोंछना, फिर हम स्पंज को पलटेंगे। आप इसके लिए वाइप ले सकते हो, टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। आँखों पे बहुत सावधानी से एटलीस्ट 2-3 पानी हमें वाटर को चेंज कर करके हमें फेस को क्लीन करना है। हमें बैंड लगा लेना चाहिए था, बैंड लगाने से हेयर हमारा ख़राब नहीं होगा। तो हेयर्स को देखिए, हेयर से तुम साफ हो गए। एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। पॉलिश क्रीम, इसको हम लास्ट में 2-3 मिनट तक हल्का मसाज करेंगे।
हमारा ये फेशियल कंप्लीट हो गया। पूरा फेशियल करने में 45 मिनट 1 आवर लगते हैं, इनकी एज कम थी, हमने इनको 40 to 45 मिनट्स टाइम लगाया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पीड।